मुंतजर अहमद रजा कलाम अंसारी का विवाद कोर्ट में लंबित है। सभी ग्रामीण और कूटेवासी इसी उम्मीद में हैं कि इंसाफ होगा और मुंतजर जैसे समाज सेवी को आज तक नहीं आएगी, लेकिन आज ग्रामीणों का सब्र का बंद टूट पड़ा जब लगातार मुंतजर अहमद रजा को सोशल मीडिया की सहायता से पहले ही आरोपित सिद्ध कर दिया जा रहा, जिससे मुंतजर के परिवार वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। ज्ञात हो कि कुटे निवासी कलाम अंसारी, जिसका दुर्घटना सितंबर 2022 में सिंगारी सीताडीह अंदड़ा में हुआ था, जिसमें उसका दोनों पैर कट गया था, इलाज के दौरान कयान अंसारी ने बयान दिया। बाद में उसने कई बार अलग अलग तरह के बयान दिए। हमले में एक आरोपी तारकेश्वर को अंगारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टूटे ग्राम वासियों ने एक सभा बुलाकर कहा कि कलाम अंसारी ने निजी दुश्मनी में मुंतजर अहमद रजा, जो कि कुटे का एक प्रसिद्ध समाज सेवी है, उसके खिलाफ आरोप लगाया कि उसने मेरा पैर काटा। अरे लोग बैठे हुए हैं, सारा आक्रोश और रोष में है, लेकिन हम लोगों को प्रशासन पर भी पूरा भरोसा है, जो आज हम लोग शांति बनाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरह से देखा जाए तो हम लोग भी एक दहशत का माहौल में, क्योंकि इतना लोकप्रिय आदमी को, इतना लोकप्रियता जो अपना काम के बदौलत लोकप्रियता हासिल किया है, कौन है मुंतजर अहमद रजा जी, उनको जब उनको फंसाने में देर नहीं लग रहा है, तो हम लोग जैसा आम आदमी को फिर कभी भी कुछ किसी भी मामला में फंसा सकता है। इस बात को लेकर के हम लोग बहुत ही दहशत में है। दूसरी बात ये, अपना इसका अगर आचरण में जाइएगा तो ये अपना कुकर्म को छुपाने के लिए किसी भी आदमी को कभी भी लालचन लगा देता है। कौन है? कलाम अंसारी जी। अगर वो चाहेंगे तो दोषी कौन है वो तुरंत पकड़वा सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रेस मीडिया हो, उन लोगों को या तो पैसा दे करके, जो आए दिन इनका छवि को धूमिल करने के लिए जो तरह तरह का खबर छपवा रहा है, इससे एक बात साफ हो रहा है कि वो दोषी को पकड़ना कम चाहते हैं और मुंतजर अहमद को जैसे बदनाम करने का उनका सर में एक नशा सा चढ़ गया कि हम उस आदमी को बर्बाद कर देंगे। उनका कभी भी मैंने मीडिया में इस तरह का बयान नहीं आया है कि दोषी को पकड़ा जाए और उनको इंसाफ मिले, जो हम लोग पूरा गांव वाला चाहते हैं कि कलाम अंसारी को इंसाफ मिले, लेकिन वो खुद नहीं चाहता है कि हमको इंसाफ मिले। हम लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस रोज मुंतजर अहमद रजा को कुछ हो गया उस रोज तो बहुत आदमी मृत्यु कर लेंगे हम लोग खुद, कि वो बहुत सहायता देने वाले हैं और उन्हीं का सहायता से हम लोग हैं और उनका भी सहायता वो देते थे, फिर बीच में काहे ऐसा हुआ वो तो वही जानेगा। लेकिन इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए कि काहे ऐसा बोल रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बेकसूर है मुंतजर अहमद रजा, बेकसूर है। हमारे ग्रामवासी इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, ग्रामवासी पूरा आक्रोश में है, न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि मुंतजर अहमद रजा को गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। इसमें ग्रामवासी पूरे आक्रोश में है, न्याय का गुहार लगा रहे हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए, लोगों में आक्रोशित है। किस मामले में न्याय मिलना चाहिए? उनको झूठे मुद्दे में फंसाया जा रहा है। घटना क्या हुई? कोई घटना है कलाम के साथ में, उस पर कलाम का झूठे बयानबाजी हो रहा है, इस पर फंसाया जा रहा है। इसमें ग्रामवासी को न्याय चाहिए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अकलू महतो, ग्राम ऊपर कुट्टे। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजा नगर कुट्टे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद आलम। आज जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच कहना और बोलना पड़ रहा है, ये हम सब ग्रामीण भलीभांति जानते हैं कि आज बहुत ही दुखद बात है कि कलाम अंसारी के साथ जो वारदात हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये सच है कि उनका पांव कटा, लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि कहां कटा, कैसे कटा, किस बात से कटा, इस बात को अनजान होते हुए आज हमारे
गांव के महामहिम जो हमारे गांव के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति मुंतज़िर अहमद रजा जी हैं उनके सर पर मढ़ा गया, ये बेबुनियाद है। ऐसा हम लोग को आभास है कि हम लोग ये बात को ज्ञात करते हुए ये कहते हैं कि ऐसा वो कभी कर नहीं सकते और जो उनके ऊपर आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। ठीक, मैं हक बात बोलूँगा और खुदा से डरता हूँ, इंसान से नहीं डरता। जबकि तबर हमने बोला था, सरकार को भी बोला था, यही है चीज जो भी हैं गलत निकालें, और गलत निकल गया मुंतजिर को सजा दीजिए, और नहीं तो कलाम का निकलता है तो कलाम को सजा दीजिए। अभी तक हमारी सरकार क्या कर रहे हैं, जबकि हमारे मुंतजिर का एक भी कुलू नहीं निकला, और ये पोठी मच्छर जैसा चारा दिया हुआ पुचुक 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 लगल रहता है, क्या गलत काम ही करते रहते हैं। हमारी मीडिया को भी तकलीफ, हमारी माँ बहन को भी तकलीफ, हमारी जनता को भी तकलीफ, ये परेशानी करते रहते हैं। ये गलत है, ये निर्दोष को सताया जा रहा है। अगर निर्दोष का ऊपर दोष है तो इनका कुलू निकाल करके सजा दिया जाए और न तो रिहा किया जाए। ये जो है ना एक साजिश करता है जिसमें से मुंतजिर अहमद राजा को फंसाया जा रहा है, उसका छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कलाम अंसारी के पीछे एक दो आदमी पड़ा हुआ है, कलाम सिर्फ मोहरा है। हम इस केस को कलाम से भी छानबीन किए हैं, बैठे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग भी चुप हैं। कलाम सच्चाई को इसलिए नहीं ला रहा है कि उसका छवि खराब हो जाए, और मुंतजिर अहमद राजा तो भाई आज से नहीं, हम लोग बचपन से जान रहे हैं उनको, संघर्ष करके जो भी अभी हैं अपना जगह में बहुत अच्छे हैं। उनका छवि को ख़राब करने के लिए ही कलाम अंसारी के साथ इस तरह घटना हुआ और वो अपना घटना को छुपा रहा है। यहाँ का मुंतजिर अहमद राजा छाता है, छाता का माना कि हिंदू मुस्लिम जहाँ भी कहीं भी झगड़ा झाँटी कुछ होता है, मुंतजिर अहमद राजा वहाँ जाके ठंडा कर देता है। जहाँ तलवार का धार भी चलता है उनका बोली से तलवार गिर जाता है। ये इतना ही गंदा काम मुंतजिर अहमद राजा नहीं कर सकते हैं। पूरा बस्ती पूरा गांव रो रहे हैं मुंतजिर के लिए, क्योंकि मुंतजिर नहीं है कसूरवार और उनको ज़बरदस्ती कसूरवार गिरा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।